ये मेरा बहुत अच्छा चिकन, काली मिर्च, नमक और आलू जो हैं वो मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है। इतना अच्छा मिक्स करिएगा कि आपका मसाला जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब मैं इसमें जो तीन मैंने अंडे लिए हैं इनको अच्छी तरह फेंटूंगी, और फेंटने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सोया सॉस डाल देनी है। किसी भी कंपनी की आप सोया सॉस ले सकते हैं। तकरीबन मैंने 1 से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, ये मैंने डाल दी है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं आपको इसकी बाइंडिंग बताऊँगी। बाइंडिंग का तरीका ये है कि आपने पहले कटलेट्स की शेप बनानी है। आप चाहे कोई भी शेप बना दें, राउंड में, हार्ट में, या कोई भी जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद आपने पहले इसको ब्रेड क्रम्ब में करना है, आलू को लगाना है, फिर उसके बाद अंडे पे लगाना है, और फिर ब्रेड क्रम्ब में ऐसे लगाना है कि ये आपका आलू जो है वो फ्रीज होने के बाद ख़राब नहीं होता। और 1 मंथ के लिए ही मैं बता रही हूँ, बार बार बताऊँगी तो 1 मंथ के हिसाब से ही मैं इसको बना रही हूँ। तो इसको आपने करना ये है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा कोई पानी अपने पास रख लें और उसको आपने हाथ से लगाना है पानी को। कोई भी किसी भी प्याले में पानी रख लें। मैंने इधर एक ट्रे रख ली हुई है। मैं अब आपको एक शेप बता रही हूँ कि जो शेप आप बनाना चाहते हैं। इस तरह करके आपने छोटा सा पहले बॉल बना लें, इस तरह करके। आप चाहें तो बॉल शेप में भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, या आप इस शेप में भी इसको बना सकते हैं, या आप जो आपका दिल करे। इसमें एक और शेप बनती है जो कि हार्ट शेप होती है, ये देखिएगा। ये सबसे अच्छी जो चिकन अला कीव्स की वो उसमें लुक आती है। इसमें मेहनत तो होती है बट ये बहुत अच्छी आपकी शेप आ जाती है, ये देखिएगा। मैं इसी तरह सारे बनाऊंगी। आपके पास कटर हो तो आप कटर को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पान का पत्ता बनता है उसी तरह मैंने ये बनाया है। मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ फ्राई करके भी इंशाल्लाह बताऊँगी। इनको रमज़ान की उसमें बरकतों में यही बात है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बना देते हैं। अब इसको मैंने ये शेप बना दी है, ये देखिएगा। इसको आपने अच्छी तरह पहले ब्रेड क्रम्ब पे लगाना है। आलू ऐसे पानी छोड़ जाते हैं मगर इस तरीके से आपका आलू जो है वो पानी भी नहीं छोड़ेगा। फिर आपने इसको अंडे में डिप करना है, ये देखिएगा। मैं दूसरा हाथ यूज़ करूँगी क्योंकि एक हाथ आपका ड्राई होना चाहिए। इसको मैं इसमें यूज़ कर डिप करके अगेन मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में यूज कर रही हूँ। इसी तरह करके आप इसके ऊपर बहुत अच्छा इस तरह करके देखिएगा, लगाइएगा, और लगा के इसकी शेप को सेट करके तो आपने एक ट्रे ले लें। और उसमें आप इस वक्त फ्रोजन, उस पर मैं बना रही हूँ तो मैं कुछ चीज़ें जो फ्रीज करना चाह रही हूँ रमज़ान के लिए, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा, ये देखिएगा, अच्छी तरह कोटिंग करिएगा। और इसको आपने एक ट्रे लेके, ये देखिएगा, मैं इस पे बना के बाकी भी रखती जाऊंगी और आपको बताऊंगी। इसको मैं फ्राइंग करके भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। इसी तरह अभी मैं सारे बना लेती हूँ और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ फ्राई करके। मैंने सारे इस शेप में बना दिए हुए हैं, ये देखिएगा, और मैंने कुछ अभी के लिए फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, बाकी मैंने उनको बना के और फ्रीज कर दिया है। आप एक डब्बा ले लें, जब ये ट्रे से आप शिफ्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्टील की ट्रे में पहले फ्रीज करें और फिर उसके बाद उनको किसी डब्बे में शिफ्ट कर दें, और शीट्स लगा के शिफ्ट करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। कुछ मैंने आपके सामने फ्राई होने के लिए रखे थे वो मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। और कोशिश कीजिए जो आप शेप चाहें वो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही शेप बनाएं। ये मैं अब फ्राइंग के लिए रख रही हूँ, मीडियम उस पर मैंने ये रख दिए हैं। और इनको कोशिश करें कि शेलो फ्राई करें, डीप फ्राई मत किया करें। कटलेट्स हमेशा शेलो फ्राई ही सही होते हैं। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ। दोनों साइडों से इसको हमने ब्राउन करना है जैसे नॉर्मल कटलेट्स को ब्राउन किया करते हैं।
पोटैटो और चिकन एलकीज बहुत अच्छे ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इनको प्रेजेंट करके आपको दिखा रही हूँ। कोई मैंने एक बहुत अच्छी सी डिश में इसको डाल दिया है, ये देखिएगा बहुत अच्छे और बड़े मज़े के बन गए हैं और मैं इसको केचप के साथ सर्व करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और रमज़ान की बरकतों में मुझे भी याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।